हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इरोडोफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इरोडोफ पे ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं, जिसमें आपको हमने बताया था कि इरोडोफ की बुक जो है वो किन्हें पढ़नी है और किन्हें नहीं पढ़नी है, जिन स्टूडेंट्स को पढ़नी है ये बुक उन्हें कैसे पढ़नी है, क्या प्लानिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं, बहुत से क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट यूज होते हैं, काफ़ी डीप कंसेप्ट यूज होते हैं, जो कि ऑब्वियस है वो आईटी के लिए नहीं है, तो बहुत से क्वेश्चंस को ऑब्वियस है इस तरह से स्किप करना होता है। तो डिटेल उस वीडियो में आपको हम बताए थे, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करने वाले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट, इरोडोफ में टोटल फिजिक्स को टोटल 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो अभी के क्लास में हम लोग इसके दो चैप्टर, शुरुआत के दो चैप्टर, चैप्टर वन और चैप्टर टू। चैप्टर वन जो कि आपका मैकेनिक्स से रिलेटेड है, मैकेनिक्स का चैप्टर है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स का एक सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, और चैप्टर टू थर्मोडायनामिक्स का है, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट नाउ चैप्टर वन में स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज आपको हम कर दिए हैं। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स मतलब कि आपका जो शुरू से आप पढ़ते हैं वेक्टर से लेकर आप मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन वगैरह, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको टोटल इतने क्वेश्चंस को आपको उसमें से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 15 लाइक दिस। यहाँ पर 50 से 54 कहने का मतलब है 50, 51, 52, 53, 54 लाइक दिस। क्लियर है? वन थिंग स्टूडेंट। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। इरोडोफ की जब आप बुक देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा, जैसे चैप्टर वन का ये टोटल चैप्टर वन का यहाँ तक है, चैप्टर वन का यहाँ तक है अप टू फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब है 1.8, चैप्टर वन का मतलब 1.8। क्वेश्चन नंबर 11 हम लिख रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 1.15 एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 315 लिख रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1.315 की बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप समझ सकते हैं अलग अलग कैटेगराइज क्या है, काइनेमैटिक्स के इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व कर लेना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, थ्योरी जब आप बना लेंगे, जो भी बेसिक बुक एसी वर्मा टाइप से आप जो भी है सारे अपने प्रैक्टिस कर लेंगे, देयर आफ्टर आप इरोडोफ के इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने के बाद उसके इतने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, आप देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर ग्रेविटेशन के इतने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर स्टूडेंट? ऑब्वियस है कैसे इसको नोट करेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं, आप इसका सिंपली स्क्रीन शॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे उसके बाद इसको ऑब्वियस है कहीं नोट कर लें आसानी से। तो इस तरह से आप यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, मैकेनिक्स के टोटल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इरोडोफ से। चैप्टर टू से स्टूडेंट, चैप्टर टू से आप देख सकते हैं थर्मोडायनामिक्स से आपके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऑब्वियस है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो होगा, चैप्टर टू की बात हो रही है, तो आपको जो इरोडोफ के बुक में जो ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर है दैट इज टू, क्वेश्चन नंबर टू मतलब 2.2, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है मतलब 2.7 क्वेश्चन की बात हो रही है। लाइक दिस, इस तरह से आपको थर्मोडायनामिक्स में इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सरफेस टेंशन में आपको इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2.164 से 2.174 तक, मतलब 164, 165 लाइक दिस, बीच के सारे क्वेश्चन 2.176 एंड लाइक दिस, और लास्ट में आपको हीट ट्रांसफर के टोटल इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इरोडोफ के जो रेस्ट चैप्टर्स हैं चैप्टर 3, 4, 5, 6 उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने आते हैं। ओके, थैंक यू।